Hi student, welcome to RCI Azubhav online classes. Class 11, subject biology, chapter 8. Topic cell theory, कोशिका सिद्धांत. कोशिका सिद्धांत जो दिया सर्वप्रथम वो मैथियास स्लाइडेन 1838 और थियोडोर श्वान 1839 इन दोनों ने प्रस्तुत किया था सर्वप्रथम. मैथियास लाइडेन जो है ये जर्मन के वनस्पति वैज्ञानिक थे जिन्होंने पादपों का अध्ययन किया और बताया कि पादपों का जो निर्माण होता है वो सेल्स कोशिकाओं से मिलकर होता है. इसी के साथ में थियोडोर स्वान जो कि जंतु वैज्ञानिक थे इन्होंने 1839 में जंतुओं का अध्ययन कर ये बताया कि जंतु और पादप का आंतरिक जो संगठन होता है या कोशिकाओं का जो संगठन होता है वो समान होता है. इन दोनों ने मिलकर निष्कर्ष निकाला कि पादपों व जंतुओं का जो निर्माण होता है वो कोशिकाओं से मिलकर होता है, सेल से मिलकर होता है. इसे इन्होंने कोशिका सिद्धांत नाम दिया. कोशिका सिद्धांत के अकॉर्डिंग इनके अकॉर्डिंग क्या है कि पादपों और जंतुओं का जो निर्माण होता है वो कोशिकाओं से मिलकर होता है. लेकिन ये जो कोशिका सिद्धांत है ये सफल नहीं हुआ. इसका कारण है कि कोशिका सिद्धांत जो थियोडोर स्वान और मैथियास लाइडेन ने दिया उससे यह स्पष्ट नहीं होता कि नई कोशिकाओं का जो निर्माण होता है वो किस प्रकार से होता है. अर्थात नई कोशिकाओं के निर्माण की जो क्रियाविधि है उसको मैथियास लाइडेन और थियोडोर स्वान का जो कोशिका सिद्धांत है ये स्पष्ट नहीं कर पाया. इस वजह से ये सफल नहीं हुआ और विफल हो गया. इसके बाद कोशिका सिद्धांत को नया रूप से प्रदर्शित किया गया, इसका नया रूप दिया गया और इसमें कुछ बातों को स्पष्ट किया गया, जैसे कि नई कोशिकाओं का जो निर्माण होता है वो किस प्रकार से होता है. सर्वप्रथम रुडोल्फ विर्चौ 1855 में रुडोल्फ विर्चौ ने बताया कि नई जो सेल्स होती हैं उनका निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है. पूर्ववर्ती जो कोशिकाएं हैं उनसे, यानी कि पुरानी जो सेल्स होती हैं उनसे इसका निर्माण होता है. इसी के साथ नेगली 1846. अब आगे चलकर रुडोल्फ विर्चौ और नेगली इन दोनों ने मिलकर नया रूप दिया कोशिका सिद्धांत का. उन्होंने बताया कि
कि नई कोशिकाओं का जो निर्माण होता है वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। कोशिका जो होती है वो जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। इसी के साथ में कोशिकाओं तथा उनके उत्पादों से सभी जीव जो होते हैं वह तो कोशिका से बने होते हैं या फिर कोशिका के उत्पादों से, यानी कि सेल से या फिर कोशिका के जो उत्पाद होते हैं उन उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। इसी के साथ कोशिका में कोई भी जो जीव होता है उस जीव की जो सेल होती है इस कोशिका के अंदर अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। अनुवांशिक पदार्थ जो होता है किसी भी जीव का वो किसमें पाया जाता है, कोशिका में पाया जाता है। अर्थात जीवन की जो सत्यता है, जीवन की सत्यता उसको बनाए रखने का कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है, सेल के द्वारा किया जाता है। अर्थात जीवन को बनाए रखने का कार्य जो होता है वो कोशिका के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में जो अनुवांशिक पदार्थ है डीएनए या आरएनए न्यूक्लिक अम्ल जो होता है जो कि एक कोशिका के जो गुण है उनको नेक्स्ट कोशिका के अंदर लेके जाता है या फिर जनक कोशिका से लक्षणों को संतति कोशिका में ले जाने का जो कार्य किया जाता है वो भी इसमें होता है, कोशिका में होता है, जिससे जनक कोशिका या फिर अपन बात करें जनक जीव और इससे बनने वाला संतति ये इससे समानता प्रदर्शित करती है। उसका भी यही कारण है कि जनक जीव जो है उससे जो कोशिका गई है उसके अंदर अनुवांशिक पदार्थ गया है। इस वजह से ये बात क्लियर होती है कि जीवन का सतत्यता बनाए रखने के लिए कोशिका जो होती है वो आवश्यक होती है। इस प्रकार से कोशिका सिद्धांत जो है वो हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। और इसी के साथ में जो वायरस होता है, वायरस वो कोशिका सिद्धांत का अपवाद होता है। कोशिका सिद्धांत का अपवाद विषाणु होता है। क्यों ये इसलिए होता है, हमने पढ़ा कोशिका सिद्धांत में कि कोशिका जो होती है इसमें स्वतंत्र विभाजन की क्षमता पाई जाती है, लेकिन विषाणु जो है इसमें स्वतंत्र विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती और ये इस नियम को फॉलो नहीं करता है। तो कोशिका सिद्धांत के इस नियम को जो फॉलो नहीं करता तो इसका क्या हो गया, अपवाद हो गया है। इस प्रकार से कोशिका सिद्धांत जो है ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।